विधानसभानी चूंटणीने हवे गणतरीना दिवसो बाकी रह्या छे त्यारे तमाम राजकीय पार्टीए जनता सुधी पहोंचवाना प्रयत्नो करी दीधा छे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात गौरव यात्रानी शरूआत करवामां आवी, जे गौरव यात्रा बायडना तेनपुरथी अरवल्ली जिल्लामां प्रवेशी हती। केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधाननी अध्यक्षतामां अरवल्ली जिल्लामां प्रवेशेली गुजरात गौरव यात्रानुं जिल्ला अने तालुकाना भाजप संगठनना होद्देदारो अने कार्यकर्ताओए उत्साहभेर स्वागत कर्युं हतुं। बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधाने बायड अने त्यारबाद मोडासा खाते जाहिर सभाने संबोधी, साथे ज केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधाने आम आदमी पार्टीना गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पर करेली टिप्पणीनी निंदा पण करी हती। देखो, सीट वगैरह के आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। गुजरात चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भरोसा पे भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की प्रदेश की जनता उनके ऊपर पार्टी और नेतृत्व पे पूरा किया है। हम तो आए हैं अपने पिछले दिनों में की गई कामों की रिपोर्ट देने के लिए, जानकारी देने के लिए, देश की स्थिति, दुनिया की स्थिति और उसमें गुजरात की भूमिका, गुजरात की दायित्व, उसके जागरण के लिए गुजरात गौरव यात्रा की आयोजन किया गया है। सभी विधानसभाओं में जाके इस विषय को रखा जाएगा। अपूर्व जन समर्थन हमको मिल रहा है। सर, आज गोपाल इटालिया जी की दिल्ली में डिटेन हुए तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी की थी जो काफी रूश था, तो इस बारे में देखो, मैं गुजराती भाषा को थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। मैंने अभी एक मित्र की टेलीफोन पे एक पागल व्यक्ति की, भारत की एक मां के ऊपर टिप्पणी देखा। एक क्षण भूल जाइए नरेंद्र मोदी जी को, देश की प्रधानमंत्री है, 130 करोड़ जनता की वो प्रतिनिधि है। उनकी मां के बारे में, जिनकी आयु 100 साल से ज्यादा है, उनके ऊपर अभद्र व्यवहार करना, टिप्पणी करना, ये प्रजातंत्र में इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए कम होगा। दिवालिया मानसिकता ही इसकी काम कर सकता है, इसको मैं निंदा करता हूं।